हेलो फ्रेंड्स, तो आइए बनाते हैं फ्राई फिश करी। तो सबसे पहले हमें मछली को अच्छे से दो बार पानी से धो लेना है। फिर इसे पानी में नमक मिला के मछली को 10 मिनट रखना है। इससे क्या होगा कि पीसेस को जो नमक है वो अंदर तक लग जाए। 10 मिनट बाद इसे पानी से निकाल के छन्नी में रख दीजिए ताकि पूरा पानी निकल जाए। अब हमें इसमें एक ही चम्मच से तीन बार लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, दो चम्मच धनिया पाउडर, नमक, एक नींबू का रस, अदरक लहसुन धनिया का पेस्ट मिला के 15 मिनट तक मैरिनेट करने रखना है। पीसेस को फ्राई करने के लिए हमें एक कटोरी बेसन में थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा नमक मिलाना है। इस मिश्रण में अब हल्के हाथ से पीसेस को कोट करके डीप फ्राई करना है। जैसे ही सारे पीसेस डीप फ्राई हो गए, इसके बाद हमें इसी कढ़ाई में या आप दूसरी कढ़ाई भी ले सकते हैं। हमने ये तेल चेंज किया, आप चाहे तो यही तेल रख सकते हैं। सब्जी बनाने के लिए तीन बड़े चम्मच तेल, दो भुने प्याज का पेस्ट को अच्छे से ब्राउन होने तक पकाना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे दो बड़े चम्मच अदरक लहसुन और धनिया का पेस्ट। इसे भी अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये अच्छे से पक जाए। अच्छे से पकने के बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी, थोड़ा गर्म मसाला। थोड़ा पानी मिलाइए ताकि पेस्ट चले ना। मसाला तेल छोड़ने लग जाए तो इसमें पीसेस मिला दीजिए और अच्छे से मिलाने के बाद इसमें दो ग्लास पानी डाल दीजिए। नमक थोड़ा कम डालिएगा क्योंकि हमने नमक पहले भी डाला है। जब ये बॉईल होने लग जाए तो गैस बंद कर दीजिए और इसमें हरा धनिया डाल दीजिए।